हाई फ्रेंड्स वेलकम टू द गेम विच एन्जॉय द मोस्ट द गेम ऑफ एल्कोहल्स इतनी ठंड नहीं है जैकेट ये मैंने लुक के लिए पहन रखी है और दूसरी बात आज आपके सामने जो प्रोडक्ट देख रहे हैं अगेन ये आता है मोहन मिकन ग्रुप से चाहते हुए या ना चाहते हुए अन इंटेंशनली इनकी जो तीन फेमस विस्कीज़ हैं उनमें से दो का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिनके साथ हमारी खट्टी मिट्टी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं लेकिन आज हम इनका तीसरा रिव्यू करने जा रहे हैं इनके तीसरे मेजर विस्की प्लेयर का सोलन नंबर वन का नाम सुनते ही कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं बहुत जबरदस्त एल्कोहल बर्न है हार्शनेस बड़ी जबरदस्त है इसमें स्पाइसीनेस भी है सुना बहुत था मैंने सोलर नंबर वन के बारे में फिर भी हमने हिम्मत करके इसका रिव्यू करने का फैसला लिया है टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज सोलन ब्लैक जब हमने 16 नंबर वन का रिव्यू किया था तब लोगों ने हमें कहा था कि इतनी बुरी ये नहीं है 16 नंबर वन अगर आप दूसरी शेप की बॉटल लेते तो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू तो है बिल्कुल यानी कि कंसिस्टेंसी इशू है किसी ने बोला आप मेड इन हिमाचल या मेड इन हरियाणा जो आप इसकी लेंगे उसका टेस्ट अलग होगा ऐसा नहीं होता जब एक ब्रेंड है ब्लेंड uh, है जैसे कि ब्लेंडर स्प्राइट तो अब मैं चाहे उसको तमिलनाडु uh, में पीऊँ या मैं उसको कश्मीर में पीऊँ या मैं उसको बंगाल में पीऊँ तो मुझे एटलीस्ट कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए लेकिन अगर ये नहीं मिल रही इसका मतलब हमें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं ब्रांड पे और अपनी तरफ से सोलन ब्लैक जो है इट इज़ अ प्रीमियम वर्जन ऑफ सोलन नंबर वन अगर आप मोहन मिकिन ग्रुप की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कुछ लिंक्स आपको यहाँ आई बटन में भी मिल जाएंगे और सिर्फ सोलन ब्लैक का रिव्यू ही नहीं होने वाला बल्कि हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे सोलन नंबर वन से ये सच्चाई देखने के लिए कि जो इस पे प्रीमियम ये आज करते हैं चार्ज कर प्रीमियम वर्जन दिया है हाँ तो क्या वो एक्चुअल में प्रीमियम है क्या ये वैल्यू फॉर मनी है चलते हैं बॉक्स ओवरव्यू पे चलिए अगर हम बात करें बॉक्स क्वालिटी की तो फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत एवरेज बॉक्स क्वालिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बेंड हुआ, हुआ हुआ है और दो जो कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने चूज किया है ब्लैक और गोल्ड का वो काफी प्रीमियम और काफी अच्छा लगता है अपनी तरफ से तो इन्होंने कोशिश करी कि पैकेजिंग को काफ़ी यूनिक बनाया जाए जैसे कि अगर मैं आपको ये बोटल ऐसे खुलती है इसका है कि ये प्लास्टिक कैप है लेकिन इट इज़ नॉट दैट टाइट मतलब ये सेफ़ नहीं है वाइल्ड ट्रैवलिंग तो इसलिए उस चीज़ में पीछे रह जाती है और एज यू कैन सी इन्होंने ओक बैरल्स बना रखे हैं दिस मीन्स दैट दे आर सेंग कि उन्होंने ओक बैरल्स में इसकी एजिंग कराई है वो कितनी होगी वो तो खैर टेस्टिंग पे पता चलेगा आप चलते हैं हम इसके बॉटल ओवरव्यू पे और देखते हैं क्या खास है इसमें दिस इज़ द सेम बॉटल एज सोला नंबर वन जो 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 हमने पहले रिव्यू की थी विच इज़ नॉट अ बैड थिंग क्योंकि वो बॉटल भी अच्छी लग रही थी और ये इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है स्पेशली ब्लैक और गोल्ड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ प्राइजिंग हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी क्योंकि वो हमने ली थी फाइव फोर्टी की चंडीगढ़ से सोला नंबर वन और ये हमने ली थी शिमला से जब हम फैमिली ट्रिप पर गए थे एंड यू विल बी शॉक कि हमने ये सिर्फ फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ में ली थी शिमला से और दिस इज़ अ सेवन फिफ्टी एम एल बॉटल इसका जो ए बी वी है दैट इज फोर्टी टू पॉइंट एट परसेंट अब चलते हैं हम इसकी पोरिंग पर और देखते हैं क्या खास है इसमें लेट्स प्ले इसकी प्राइजिंग है ना वो इसके ए, रेटिंग पे भी इम्पेक्ट करेगी बिल्कुल इसकी प्राइसिंग क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं डेली में जो प्राइजेस मिलते हैं उससे कंपेयर करूँ तो कहीं ना कहीं ये ऑल सीजन या फिर आप ये उनसे भी नीचे रॉयल्स चाहे उसके आस पास की हाँ. एक कैटेगरी में प्राइस वाइज आती है बट डेली में ऑब्वियसली पंजाब में चंडीगढ़ में इसका जो प्राइस है वो कम है शिमला में तो खैर कई ब्रांड्स का ज़्यादा था कहीं कम था तो समझना चाहे तो ये राउंड अबाउट फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड की है तो कहीं ना कहीं वो प्राइस पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि चंडीगढ़ में सिक्स फिफ्टी है तो ये वैसे तो देखा जाए तो बी वगैरह से सस्ती पड़ी लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट पर आने वाली है ये इसमें आपको आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवरिंग दोनों ही मिलेंगी बट एटलीस्ट इन्होंने ये माना तो अच्छा लग रहा है और क्योंकि वहाँ पे तो इन्होंने बड़ा बड़ा मॉल्ट विस्की लिखा हुआ था तो शायद उन्होंने ये ना करके यहाँ अच्छा किया है अब चलते हैं हम इसकी नोजिंग पर और देखते हैं क्या खास है इसमें <coughs> <ओ>। <coughs> काफी एग्रेसिव है नोज पे मतलब बहुत ज्यादा सर्च करने पर भी वट आई कैन गेट इज मॉल्ट वर्ल्ट तो भूल जाओ ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें मुझे जो मिल रहा है दैट इज वुड स्ट्रॉन्ग वुड का जो एक एसेंस होता है वो मिल रहा है एंड uh, थोड़ी सी फ्रूटी है ये नोज पे विथ सम वेनिला एंड लास्ट बट नॉट द लीज थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस है वो शायद कैराम की है मोलासिस की भी हल्की सी लग रही है मुझे बाकी वो तो खैर टेस्टिंग में पता चलेगा अब हम इसके कलर और टेस्टिंग के लिए चलेंगे फादर साहब के पास जो बड़ी हिम्मत कर पे करके दिल पे पत्थर रख के आज की करने जा रहे हैं कलर तो इसका गोल्डन ही है कलर इसका गोल्डन मजा आया जितना मैं सोच रहा था कि इस प्राइस सेगमेंट में जितना मैं डर रहा था कि भाई एकदम से हिट करेगी वो चीज नहीं है काफी सिट्रसी है काफी सिट्रसी है और अ, मला अल्कोहल पंच ना के बराबर सोलन ब्लैक में बिल्कुल मेरे को इसमें पता नहीं जो सोच रहा था मैं पीने से पहले घबरा रहा था वो चीज नहीं है बढ़िया। फिर एक और से और इसमें स्वीटनेस बहुत अच्छी आ रही है और स्पाइसीनेस जो आ रही है वो इंटेक पे आ रही है लाइट एक तो सिनेमन फील हो रहा है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर का टेस्ट आ रहा है मतलब प्रोफाइल्स भी निकल रही है हाँ और मुंह में मतलब रुक रहा है टेस्ट इसका अच्छा मतलब लॉन्ग इफेक्ट है हाँ लॉन्ग इफेक्ट इफेक्टर इफेक्ट अच्छा है और इस प्राइस सेगमेंट में मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कि इतना अच्छा इफेक्ट दे रही है मतलब साढ़े चार सौ रुपये में लूट लो बहुत बढ़िया मतलब मस्त है रेटिंग तो खैर इसको हम बाद में देंगे सबसे पहले जो रिव्यू चल रहा है उसमें हमने कहा था कि हम इनका कंपेरिजन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको मज़ा चगा दिया जाए आज फिर फिर पंगे ले रहे हो आप मैं नहीं यार ये चीटिंग कर रहा है आ, बिल्कुल ऐसे इतना अच्छा टेस्ट करवा कर अब वापसी उसी पे जाना पड़ेगा क्या चेक तो करना पड़ेगा कि कैसी है क्या है डिफरेंस क्या है अपने चैनल में, में लिए नहीं। नहीं। उसके लिए हिम्मत जुटा लो अपनी दिल पे पत्थर रख लो भारी वाला अब बताओ कि क्या इसका कंपेरिजन बनता है या स्टैंड होती है कॉन्फिडेंस आ गया वो पीके बड़ा सिंपली है ये कहीं भी स्टैंड नहीं होती कहीं भी नहीं होती इसके इसके मुकाबले इसको ले जाओ आप गजब बेइज्जती है मतलब नकार दिया ना 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 बिल्कुल नहीं कहीं भी नहीं स्टैंड हो रही इसका टेस्ट अपने है इसकी प्रोफाइल अपनी है उसमें हार्शनेस और स्पाइसीनेस के अलावा या कुछ भी टेस्ट और कोई टेस्ट नहीं है उसमें मज़ा नहीं आया ना मतलब देख रहे हो दोनों सेम दिखने वाले खम्भे लेकिन अलग वही करण अर्जुन वाला हिसाब किताब है दोनों एक जैसे दिखते हैं पर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग हैं अब हम इसकी रेटिंग पर चलते हैं इसकी रेटिंग रेटिंग मैं इसको 8.2 दूंगा 8.2 पॉइंट टू विच इज़ अ वेरी वेरी गुड रेटिंग स्पेशली जब हमने इसका रिव्यू किया उसके बाद हमारी इससे उम्मीदें थी hmm. ही नहीं बिल्कुल जब तक ये हमने टेस्ट नहीं की hmm. तब तक देखने में ठीक था कि हम कर रहे हैं रिव्यू और मैं घबरा भी रहा था कि पता नहीं टेस्ट कैसा होगा इसने सारी एक्सपेक्टेशन चेंज कर दी है तो ये मजेदार चीज हाँ, ये तो क्या आप जो चंडीगढ़ या शिमला साइड जाते हैं जहां पिए बिल्कुल बिल्कुल है। इसबल और हर तरफ से ओके okay okay, है। ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप लविंग तो रिमेंबर ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास द क्लास पीना भी एक कला है देन चेयर